हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, एक्यूट एंगल। एन एंगल व्हिच मेजर्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब जिस एंगल का मेजर्स 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, उस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। इन फिगर एंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि एंगल ए बी सी एक एक्यूट एंगल है। एक्स का जो रेंज है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है एंड 90 डिग्री से क्या है, स्मॉलर है। ओके, एंड देन सेकेंड, राइट एंगल। एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जिस एंगल का मेजर्स 90 डिग्री होता है, उस एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। इन फिगर एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। फिगर में एंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल है जिसमें एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड, ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब जिस एंगल का मेजर्स 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, उस एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इन फिगर एंगल ए बी सी इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल जेड, जेड ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। जिस एंगल का मेजर्स 180 डिग्री होता है, उस एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट एंगल। एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंड फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। जिस एंगल का मेजर्स 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इन फिगर एंगल ए ओ बी इज अ रिफ्लेक्स एंगल। टी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। एंड लास्ट जो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, एन एंगल विच मेजर्स 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जिस एंगल का मेजर्स 360 डिग्री होता है, उस एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। फिगर, इन फिगर ए ओ ए, ए ओ ए इज अ कंप्लीट एंगल। एंगल यू, यू इज इक्वल टू 360 डिग्री।